Hey guys, good morning and welcome to the pre-tater के vlogs. तो कल का कुछ सामान पड़ा हुआ है जो सूखने के लिए था, पेंट किया था ना. तो सोचा इसको भी बाहर निकाल लेते, ये भी सूख जाएगा और बक्सा तो फिर सूखा ही नहीं था. और ये भी है कुछ सूख जाएगा आज, धूप डायरेक्ट पड़ेगी. तो मंदिर का थोड़ा सा हो गया और ये स्टूल कर दिया. अब इसको यहीं सूखने देते हैं. तो मानू और क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग. और पता है तुम्हें ना यहाँ पर है ना, लोग याद कर रहे थे. हाँ तो आप मिलोगे कि नहीं? हाँ, अच्छा. तो सबसे पहले आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से. मैंने कल मम्मी से बोला था कि मैं व्रत रखूँगा और मतलब मेरा तो स्टार्ट हो गया रात में, करीब 11:30 बजे पानी पी के सोया हूँ मैं. और अभी तो प्यास लग नहीं रही है और ना ही भूख लग रही है, क्योंकि अभी टाइम ही कितना, 9:30 बजे. मैं ना बिना पानी के रह सकता हूँ एक दिन आराम से. तब मैं ना दिन में बहुत ही कम पानी पीता हूँ. मेरी आलू कितनी स्वीट है, यहाँ पे बिल्ली है लेकिन फिर भी वो शांति से आराम से बच्चों के लिए मतलब बैठ गई है. सो नाना धोना हो गया है एंड थैंक यू सचिन भैया फॉर दिस. ये मेरी टू डू लिस्ट के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, इतना अमेजिंग है ना. थैंक यू फॉर दिस. इनका कंसेप्ट देखो. तो हमारी टू डू लिस्ट तैयार है, इसको लगा देते हैं यहाँ पे. ये कल काम आएगी. मम्मी ने पूजा की तैयारी कर दी है. अहोई माता होती है ना मम्मी, अहोई माता की व्रत यहाँ पे कैलेंडर आ गया है. मम्मी ने खाना भी बना दिया और सब्जी भी बनी है, आलू टमाटर की सब्जी. इट्स टू डिलीशियस एंड वन ऑफ माय फेवरेट, सूजी का हलवा. टाइम हो गया 5:30 और ऑलमोस्ट बराबर का हूँ. मैंने ना पानी पिया ना कुछ खाना खाया, मेरा भी व्रत ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो रहा है. बट अंदर दिल में कहीं ना कहीं भूख बहुत तेज लग रही है. करवा चौथ में चांद दिखता है, अहोई अष्टमी में तारे देखे जाते हैं. अंधा है तू मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू. मम्मी भी तैयार हो गई है और अब पूजा कर रही है. उनके साथ पूजा में बैठते हैं. जो उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए, तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है. हे अहोई माता, मम्मी कहीं ना कहीं आपकी भी बच्ची हैं, तो मैंने आपकी तरफ से व्रत रख लिया है जिससे मम्मी की भी आयु लंबी हो जाए. आशीर्वाद मम्मी पे बनाए रखें. लो अहोई माता की. देखो फाइनली एक तारा निकल आया, बहुत ब्राइट दिख रहा है. हो गया जी. बफी खिला रही, बफी. लंबू परेशान कर रहा है, हाइट का वो दिखा रहा फायदा है. दंडवत प्रणाम करते हैं. हनी के यहाँ पे आना चोट लग गई, मम्मी का नाखून लग गया. पेनिंग और नॉट ब्रो. मम्मी को व्रत खोलना है, पहले पानी से व्रत खुलवाएंगे. तो पहले कानूडू लाएंगे, मैंने भी हाथ लगा दिया है. अब मम्मी पानी पी रही हैं और अपना व्रत खोल रही हैं. ये अब सूजी के हलवे से मम्मी का व्रत खुल चुका है. खुल तो गई. फाइनली हमारा, अच्छा ठीक है, मम्मी नज़र उतार रही है और हमारा फोटोशूट हो चुका है. फोटोशूट पूरा हो गया, देखो कैसी फोटोज आई हैं. मस्त थी ना फोटोज. मेरे बच्चे, दोनों बच्चों ने मेरे लिए पत्र खाया आज. मैं ना खाया ना कुछ, ना कुछ भी नहीं पिया भी नहीं. और क्या, 2-3 साल से रख रहे हैं, मेरी स्वस्थ रहने की कामना करते हैं ये.
कि मम्मी स्वस्थ रहा करे और लंबी आयु भी हो जाए हमारे साथ। लंबी नहीं चाहिए, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो, सबसे बड़ी बात मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए। या अब व्रत खोल लिया है तो अब खाना भी खा लेते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है मुझे। शाम हो गई यार, बहुत तेज भूख लग रही है तो फाइनली अब खाना खा लेते हैं यार, बहुत तेज भूख लग रही है। खाने में मम्मी ने बनाई है पूड़ियां आलू की सब्जी। सो आज करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बट कल शायद मैं कहीं जा रहा हूँ और मे बी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम हो तो शायद व्लॉग लेट आए, एक या दो दिन के बाद ही आए, लेकिन व्लॉग बनेगा बट शायद अपलोड नहीं हो पाएगा। तो जस्ट वेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।